केजरीवाल की सेना जो है वो अंतर्यामी भी है और भविष्यवाणी भी कर सकती है। संजीवनी जो है वो आम आदमी पार्टी को मिली है संजय सिंह के बाहर आने से। दिल्ली के मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में बंद हो तो इससे कहीं ना कहीं ये होगा कि अभी वो मुख्यमंत्री हैं, वो तिहाड़ को बेहतर तरीके से जानेंगे, वहां रहकर भी अपराधी किस तरह से गैंग चला रहे हैं ये कहीं ना कहीं उन्हें समझना पड़ेगा और आगे इस पर बात करनी पड़ेगी। भारत एट 9 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। केजरीवाल की जो पूरी तरह से ये कहें कि सेना थी वो एक एक करके घुटने टेक रही है और शायद केजरीवाल की सेना जो है वो अंतर्यामी भी है और भविष्यवाणी भी कर सकती है। इसीलिए तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि अब अगला नंबर उनका होगा। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि संजीवनी जो है वो आम आदमी पार्टी को मिली है संजय सिंह के बाहर आने से। लेकिन सवाल ये है कि जब राजा ही जेल के अंदर है तो फिर मंत्री वजीर क्या करेंगे और कैसे करेंगे? तो आइए आज आपको एट 9 में राजा की पूरी अपडेट बताते हैं किस तरह से दिल्ली के तिहाड़ में वो अपना आगे का जीवन या ये कहें कि आगे के कुछ दिन गुजार रहे हैं। सोमवार 1 अप्रैल 2024 ये बिल्कुल भी आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा दिन नहीं रहा, काला दिन कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के लिए। वक्त शाम के 4:13 हो रहे थे और जब खुद तिहाड़ के हाकिम ने तिहाड़ के अंदर कदम रखा, जी हाँ तिहाड़ दिल्ली सरकार के अधीन आता है, दिल्ली सरकार के मुखिया कोई और नहीं बल्कि खुद अरविंद केजरीवाल है और अरविंद केजरीवाल ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस क्षेत्र का मैं राजा हूँ, जिस जेल का मैं राजा हूँ, उसी जेल के अंदर, उसी कालकोठरी के अंदर उसे रहना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना, वक्त कभी भी कुछ भी दिखा सकता है और अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसा ही हो रहा है। हालांकि हाकिम इस बार एक कैदी के तौर पर तिहाड़ आए हैं, पहले तो ऐसे ही आते थे, अब हाकिम इस बार कैदी के तौर पर तिहाड़ आए हैं। तिहाड़ जहां उनके कैबिनेट के मंत्री रहे मनीष सिसोदिया और इसी जेल के मंत्री रहे सत्येंद्र जैन पहले से मौजूद हैं। हालांकि उम्मीद कम ही है कि अंदर इनकी कोई बैठक हो पाएगी क्योंकि एक ही दीवार के पीछे होते हुए भी सभी जुदा होंगे। वैसे कमाल की बात है कि अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सरकार में कोई भी मंत्रालय अपने पास नहीं रखते, लेकिन अब तिहाड़ में वो एक साथ दो दो विभाग संभालेंगे, मुख्यमंत्री और कैदी का भी। तिहाड़ के लिए भी ये बिल्कुल नया होगा और तिहाड़ में तैयारियां भी तो कुछ ऐसी थी, भाई उनका राजा आ रहा है तो तैयारियां तो बखूबी होंगी, क्योंकि कैदी होने के अलावा संवैधानिक तौर पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, चुने हुए, जनता ने उन्हें भेजा है उस पद तक और वो बिना इस्तीफा दिए ही अंदर आ रहे हैं, तो अभी तक वो मुख्यमंत्री ही हैं। वैसे तो तिहाड़ में कुल 9 जेल हैं जिसमें करीब 18,000 कैदी ठूसे पड़े हैं, जगह कम पड़ रही है। अब चूंकि नेताओं का जेल आना जाना लगा रहता है लिहाजा जेल के कुछ हिस्सों में ऐसे मेहमानों के लिए खास इंतजाम भी होते हैं, खास यानी कि ऐसी जगह जो चोर उचक्को, छठे हुए बदमाशों या फिर खूंखार गैंगस्टर या आतंकवादियों के सेल या ठिकानों से जरा सा अलग हो। इन खास जगहों में तिहाड़ का जेल नंबर 1, 2 और 4 ज्यादा बेहतर है। देखिए केजरीवाल को जेल नंबर 2 में रखा गया है, मनीष सिसोदिया जेल नंबर 1 में है, जबकि सत्येंद्र जैन को जेल नंबर 7 में रखा गया है। संजय सिंह को जेल नंबर 5 में रखा गया था लेकिन अब वो बाहर आ गए हैं और मंगलवार यानी कि आज कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। केजरीवाल सुबह सवेरे उठने वालों में से हैं इसलिए उन्हें जेल मैनुअल से कोई ज्यादा दिक्कत तो होने वाली है नहीं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का सफर क्या है तिहाड़ के अंदर, क्या ये अरविंद केजरीवाल फॉलो कर पाएंगे, चलिए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जेल में कैदियों की डेली रूटीन सुबह सूरज निकलने के साथ शुरू हो जाती है। मैंने कल भी बताया था अपने प्रोग्राम में, सुबह 6 हर कैदी को उठना होता है, इसके बाद रोजमर्रा के कामों को निपटाने के बाद सुबह 6:30 से 7 उन्हें नाश्ता दिया जाता है जिसमें आमतौर पर ब्रेड या चाय होती है। दोपहर का खाना 11 दिया जाता है, दाल, एक सब्जी, 5 रोटी या चावल। दोपहर 3 शाम की चाय मिलती है। इसके बाद 3 से 5 तक जेल में कैदियों के खेलने और टहलने को मौका मिलता है। फिर शाम के 7 रात का खाना, खाने में दाल, एक सब्जी, 5 रोटी या फिर चावल दिया जाता है।
मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टरी सलाह पर कैदियों को उनकी सेहत के हिसाब से अलग से खाना मिलता है। और अरविंद केजरीवाल ने तो ऐसा कहा भी था, इसमें घर का खाना भी हो सकता है। हालांकि हाल के वक्त में हम सब ने तिहाड़ की जो असली तस्वीर देखी है वो इससे बिल्कुल अलग है, जो सभी कैदियों को डराती है, सभी कैदियों को और ज़्यादा खौफ में जीने के लिए मजबूर कर देती है। जेल की सुरक्षा, वहाँ मौजूदा पाबंदी, वहाँ की सख्ती, वहाँ के कायदे कानून, अब सब बदल गए हैं। अब तिहाड़ का सच कुछ और ही है। सच में तमाम कायदे कानूनों पर करारे करारे हरे और गुलाबी नोट भारी पड़ रहे हैं। वीआईपी और रसूख वाले लोगों के सामने इस जेल की दीवारें अब छोटी पड़ जाती हैं। तो चलिए एशिया की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल के बारे में आज हम आपको बताएंगे, जहां पर दिल्ली का राजा बंद है। साल 1957, आजादी के ठीक 10 साल बाद की बात है। वैसे तो 10 साल का वक्त अपने आप में काफी लंबा होता है, लेकिन अगर किसी मुल्क के मुस्तबिल को संवारने की बात हो, यानी कि उसका नक्शा बदलने की बात हो, उसे सुंदर रंग रोगन करने की बात हो, तो 10 साल कुछ भी नहीं होते। आज भी हमें बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। वैसे तो तब जब लुटेरों और आक्रांताओं की मार झेल कर पहले ही कई साल हम पीछे चले गए हों, कुछ ही दिनों में और इन्हीं हालातों के बीच 1957 में दिल्ली के पश्चिमी शोर पर तिहाड़ की इमारत बनकर तैयार हुई थी। जो दिल्ली के रहने वाले हैं, जो दिल्ली में आकर बस गए हैं, या फिर जो गुजरे ज़माने से दिल्ली की ही पैदाइश है, उन्होंने ये इस जेल को बाहर से कई बार देखा होगा और देखकर हैरानी भी हुई होगी। क्योंकि जब हम, यानी कि मैं अपनी बात करूँ, जब मैं पहली बार तिहाड़ देखने, क्योंकि हमें कॉलेज से एक प्रोजेक्ट मिला था और फिर हम निकले थे कि आखिर दिल्ली की जो तिहाड़ जेल है, एशिया की सबसे बड़ी जेल है, आखिर वो बाहर से दिखती कैसी है। देखिए, अंदर जाना तो नहीं मिला क्योंकि कॉलेज के बच्चे थे उस टाइम पे, लेकिन बाहर से हमने पूरी तरीके से देखा। आप चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, लेकिन इमारत ख़त्म नहीं होगी, इतनी बड़ी जेल है ये। बाहर से तो ऐसा लगता है कि सिर्फ एक बिल्डिंग भी नहीं कहेंगे कि एक फ्लोर की एक बिल्डिंग से बना दी गई है और वो चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, लेकिन अंदर वो कितनी खूंखार है अंदाजा आप लगा सकते हैं। बहुत सारे वीडियो पहले भी सामने आ चुके हैं। तो ये इमारत बनकर तैयार हुई, फिर अपने बनने से लेकर 9 साल तक इस जेल को चलाने की जिम्मेदारी पंजाब के पास रही थी। आगे चलकर इसकी कमान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि दिल्ली के हवाले कर दी गई। किरण बेदी ने तिहाड़ की तस्वीर को बदल दिया था। किरण बेदी याद है ना आपको, जेल में आश्रम बना दिया था। साल 1984 की बात है, 84 कोई कैसे भूल सकता है। 84 के आते आते इस जेल का काफी विस्तार हुआ और तब पूरे कॉम्प्लेक्स को ही तिहाड़ जेल का नाम दे दिया गया। असल में ये जेल चाणक्यपुरी से करीब 7 किलोमीटर दूर दिल्ली के तिहाड़ गांव के करीब बनाई गई थी। ऐसे में इसके साथ शुरू से ही तिहाड़ का नाम जुड़ा रहा। करीब 400 एकड़ में फैले इस जेल का नाम तब पहली बार पूरी दुनिया में अच्छी वजह से चर्चा में आया जब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिंसेस के तौर पर इसकी कमान देश की पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी के हाथों में आई। किरण बेदी ने अपने सकारात्मक प्रयासों से इसका नाम तिहाड़ जेल से बदलकर तिहाड़ आश्रम कर दिया। किरण बेदी ने जेल में बंद कैदी और वहां के मुलजिमों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत करने के साथ साथ विपश्याना मेडिकेशन का भी आगाज किया, ताकि अपराधियों को जुर्म की स्याह दुनिया से ज्यादा दूर कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ा जा सके। इन योजनाओं का ही असर था कि साल 2014 में इस जेल के 66 कैदियों को उनकी क्षमता और अच्छे चाल चलन के मद्देनजर सीधे देश की कई नामी कंपनियों में नौकरी मिली। और तो और, एक बंदी ने जेल में रहते हुए UPSC का इम्तिहान भी पास कर लिया और नई शुरुआत की सोची। लेकिन यह भी सच है कि धीरे धीरे हर गुजरती तारीख के साथ तिहाड़ की एक खास मानो फिर से राख बन गई, जुर्म के अंधेरे में गुम होने लगी। फिलहाल तिहाड़ जेल परिसर में कुल 9 सेंट्रल जेल मौजूद हैं, जबकि इसके अलावा तिहाड़ जेल की 2 शाखाएं रोहिणी और मंडोली में भी है। इनमें रोहिणी में जहां 1 सेंट्रल जेल है, वहीं मंडोली में 6 सेंट्रल जेल हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद तिहाड़ के सामने क्षमता से ज्यादा कैदियों की समस्या विकराल रूप लेकर खड़ी है। ऊपर से जेल की क्षमता में यहां करीब 2 गुने कैदियों के बंद होने की मजबूरी ने मानो सारा का सारा खेल बिगाड़ कर रख रखा हो। तिहाड़ में कैदी हैं 2 गुने और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि भ्रष्टाचार का दाग लगा है। साल 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक तिहाड़ जेल की कुल क्षमता 10,026 कैदियों की है, जबकि इस जेल में फिलहाल लगभग 18,000 कैदी बंद है, यानी क्षमता से 2 गुना।
16 मार्च 1986 को तिहाड़ के दामन पर भ्रष्टाचार, लापरवाही और निकम्मेपन का पहला दाग लगा था। कहते हैं कि तिहाड़ में बंद चार्ल्स चोबराज ने यहाँ रहते हुए एक बार ऐसा जाल बट्टा फैलाया कि जेल के मुलजिमों को अपने जन्मदिन पर केक के नाम पर नशा देकर जेल से ही फरार हो गया। तिहाड़ के इतिहास में ऐसी लापरवाही का ये पहला मामला था। फिर तो नामालूम साल दर साल ऐसे कितने ही मामले सामने आए। तिहाड़ जेल से क्राइम सिंडिकेट चल रहे कुछ कुख्यात गैंगस्टर, जी हाँ, हाल ही में महाठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर का जेल से वायरल वीडियो, उसकी की गई शिवथोरी के चलते तकरीबन 100 जेल मुलजिमों का सस्पेंड हो जाना, जेल में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन का मालिश मसाज कराना, तिहाड़ की साख पर लगे वो धब्बे हैं जिन्हें शायद कभी कोई मिटा नहीं पाएगा। फिलहाल हालात ये हैं कि तिहाड़ उसकी दोनों शाखाएं अपराध और अपराधियों का अड्डा बनकर रह गए हैं। यहाँ बाद गैंगस्टर जेल से ही बैठे बैठे अपना क्राइम सिंडिकेट चला रहे हैं। वो जेल से ही बैठे बैठे कारोबारियों, उद्योगपतियों और अपने शिकार लोगों को फोन करते हैं, उनसे रंगदारी मांगते हैं। बड़े क्रिमिनल गैंग से जुड़े कई खूंखार अपराधी तिहाड़ जेल में कैद हैं। खबरों की माने तो तिहाड़ में इन दिनों कम से कम 20 बड़े और 30 छोटे क्रिमिनल गैंग से जुड़े खूंखार अपराधी हैं जो जेल से ही जुर्म काला साम्राज्य चलाते हैं। तिहाड़ में बंद बड़े अपराधियों में अगर अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का नाम आता है तो सैफ्ता आतंकी यासिन मलिक का नाम भी शामिल है। इसके अलावा नामी गैंगस्टर और सरगनाओं में नीरज बावियाना, काला जठेड़ी, नासिर उफ छेनू, अनिल भाटी, नवीन बाली, रोहित चौधरी, रोहित मोई, हाशिम बाबा, दीपक बाक्सर, संपत नेहरा, हड्डी अट्टे, कीकड़ी, बीड़ी, चवन्नी, अठन्नी जैसे तमाम नाम शामिल हैं। 8,000 सीसीटीवी कैमरे, 365 दिन 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों का पहरा, इतने खूंखार लोगों को एक जगह पर कैद रखना तिहाड़ प्रशासन के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। वो भी तब जब इनमें से ज्यादातर एक दूसरे के जानी दुश्मन हों और मौका मिलते ही कातिलाना हमला कर किसी को भी खत्म कर सकते हों। जाहिर है तिहाड़ के लिए चुनौती रोज की है और चुनौती से पार पाने के लिए तिहाड़ में जहां 365 दिन और 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों का कड़ा पहरा रहता है, वहीं चप्पे चप्पे पर लगे 8,000 सीसीटीवी कैमरे, जैम और अलार्म, हाई सिक्योरिटी सेल का भी इंतजाम है। मगर सच्चाई यही है कि ये सब कागजों पर ज्यादा है, हकीकत जुदा है। आप याद होगा आपको कि आज से मैं कहूँ कि 1 साल पहले 1.5 साल पहले या 2 साल हुए होंगे, एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ था तिहाड़ के अंदर का। ये वीडियो था कैसे एक कैदी को कुछ कैदियों ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया था। टिल्लू ताजपुरिया, याद आया आप कुछ? टिल्लू ताजपुरिया की तिहाड़ में कत्ल की बात आज भी डरा देती है। सुकेश चंद्रशेखर का तिहाड़ में ही रहकर 200 करोड़ कमा लेने का सच आज भी हैरान कर देता है। लॉरेंस बिश्नोई को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि तिहाड़ ही है। जैसे तिहाड़ ने कभी तिहाड़ के मंत्री रहे सत्येंद्र जैन की ऐसी मसाज वाली तस्वीर भी उगली थी, अब चूंकि खुद केजरीवाल से तिहाड़ में कुछ दिन गुजारेंगे तो जाहिर है वो इसके अंदर से और ज्यादा करीब से जानेंगे। क्या पता जब वो बाहर आए और तब भी दिल्ली सरकार और इसे तिहाड़ के हाकिम हो तो शायद उनके तजुर्बे का फायदा तिहाड़ को एक बेहतर जेल बनाने में मिल सके। लेकिन सच्चाई ये है कि भले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में बंद हो तो इससे कहीं ना कहीं ये होगा कि अभी वो मुख्यमंत्री हैं, वो तिहाड़ को बेहतर तरीके से जानेंगे, वहाँ रहकर भी अपराधी किस तरह से गैंग चला रहे हैं ये कहीं ना कहीं उन्हें समझना पड़ेगा और आगे इस पर बात करनी पड़ेगी। ये बात राजनीति से इतर है क्योंकि ये दिल्ली के लिए भी सही नहीं है और देश के लिए भी सही नहीं है और आम जनता के लिए भी सही नहीं है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और कल भी किसी और मुद्दे पर बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।